केजरीवाल की जमानत हुई है और देखिए जेल से निकले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लाइव तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत दी है और 2 जून को उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। एक कॉन्वॉय आप देख रहे हैं पूरा केजरीवाल का, जेल से अभी बाहर निकले अरविंद केजरीवाल, उनके स्वागत करने के लिए देखिए सैकड़ों की तादाद में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंचे हैं केजरीवाल का स्वागत करने के लिए। और अरविंद केजरीवाल को काफी लंबी जद्दोजहद के बाद, लंबी एक प्रोसेस के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 1 जून तक केजरीवाल जमानत पर रहेंगे और इस दौरान वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे, आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकेंगे। और ऐसे में केजरीवाल की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी बेहद उत्सुक नजर आ रही है। तो वहीं केजरीवाल को अब जेल से लाया जा रहा है, तस्वीर आपके सामने, उन्हें सुरक्षा के लिए 400 लोग इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं जो कि हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा लिए सड़कों पर इस वक्त हैं। केजरीवाल को जमानत मिल गई है और जेल से निकले हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के हाथ मिलाते हुए जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ब्लैक कलर की एक कार में अभी सवार है और उनके साथ आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये काफिला आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर झंडे लेकर, झाड़ू वाले झंडे लेकर खड़े हैं, केजरीवाल के स्वागत के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की सड़कों पर ये भीड़ आप देख रहे हैं जहां पर केजरीवाल आज लंबी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जमानत दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट में जमानत उन्हें नहीं मिल सकी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। केजरीवाल जब आए तो उनका स्वागत फूलों की पंखुड़ियों से बने सड़क से हो और फूल माले लगाए जा रहे हैं। और जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं वो काफी उत्साह में हैं और पूरी जश्न की तैयारी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि मशीन लगा करके फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जा रही हैं। लेकिन अगर बात करें राजनीति की तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली की राजनीति होगी या पंजाब की राजनीति होगी या हरियाणा की राजनीति होगी, और जो जानकारी है कि सिर्फ इन्हीं जगहों पर नहीं रुकेंगे अरविंद केजरीवाल, दूसरे उन राज्यों में भी जाएंगे कि जहां बीजेपी को उनके मुताबिक जहां लग सकता है।